नाजरीन, मैं हूं रीना शिकरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। आज की जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कानूनी कदम उठाया गया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और खत के जरिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके वर्कर्स को, उसके मेंबर्स को बुनियादी हकूक दिलवाए जाएं। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उस पर कंसर्न्स का इजहार किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और इस सात सफे पर मबनी जो उनका ये खत है उसको वो चाहते हैं इमरान खान साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको 184(3) के तहत एक पिटिशन के तौर पर कंसिडर करें। 184(3) का नाजरीन आप पहले ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी के बाद अब जो तरीकेकार है इसको नोटिस लेने का मामला, वो तरीकेकार के हवाले से काफी कुछ वजह कर दिया गया है और 184(3) के तहत इसको नोटिस लेने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट बहुत मोहतात होकर चल रही है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और दो सीनियर मोस्ट जजेस की मशावरत से ही ये टेकअप हो सकता है। सो खत में जहां पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इमरान खान साहब ने इजहार किया, खत के आगे के मराहिल जो अगले मराहिल हैं वो होंगे क्या, खत क्या एंटरटेन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या इसे टेकअप करते हैं मशावरत के बाद, या फिर ये खत जो है वो उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बजरिए खत ही इमरान खान साहब को रद्द अमल देंगे। हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और खत अगर एंटरटेन होने की सूरत में क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसे खुली अदालत में समाप्त इसकी होगी या फिर इसे इन चेंबर जो समात है वो करने की ऊपर जो है उसको तरजीह देंगे। सो और दूसरा जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर किन किन को नोटिसेस जारी करेंगे, फरीकैन जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने अपने खत में भी जिनको मुखातिब किया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस का फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इनेकाद को यकीनी बनाए, उनको उन्होंने उनका जिक्र किया है। साथ साथ उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स यानी कि फेडरल लेवल पे जो वफाकी निगरान हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमतें हैं निगरान हुकूमतें उनको मुखातिब किया है। फिर उन्होंने पेमरा को मुखातिब किया है, वो चाहते हैं इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उनको जिस तरह से उनकी आवाज दबाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या जिस तरह से अरेस्ट देखा जा रहा है, जिस तरह से गुमशुदगियों का मामला सामने मंजरे आम पर आ रहा है, आपको याद होगा कि एतजाज अहसन साहब ने भी पिटिशन मिसिंग पर्सन के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा के वापस कर दिया था गुज़िश्ता हफ्ते ही। सो ये एक बड़ा कंसर्निंग एक मामला है, लेकिन अगर खत एंटरटेन नहीं हुआ तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाइक आई सेड अर्लियर कि किस तरह से इस मामले को इस खत पर एक रिस्पांस, क्या वो खत लिखकर ही इमरान खान साहब को एक रद्दअमल देंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, और मुमकिन तौर पर क्या होते दिखाई दे सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा वो इमरान खान साहब को ये कहें कि चूंकि जो मजाज अथॉरिटी है जो कि जिसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना है, जिसकी आईनी और जो इंतजामी जो इख्तियारात हैं जिसके पास हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमतें जिनका काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना, उसकी मावनत करना इलेक्शन के इनकाद के हवाले से, सो वो उनको इमरान खान साहब को ये कहें बजरिए खत कि वो उनसे रुजू करें, उनसे राबता करें और उनसे वो रिक्वेस्ट करें कि ये यकीनी बनाए लेवल प्लेइंग फील्ड। चूंकि इमरान खान साहब ने अपनी इस दरख्वास्त में और अपने इस लेटर में खत में ये भी मेंशन किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती उनकी इंटरवेंशन के बगैर 8 फरवरी के इंतखाबात फ्री फेयर नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल ऑलरेडी उठा दिया गया है इस खत के जरिए इमरान खान साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा अहम मामला है और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसको किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निपटाते हैं और क्या जिस तरह से इमरान खान साहब इस्तदा कर रहे हैं कि इस खत को 184(3) के तहत एक पिटिशन के तौर पर तसव्वुर किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए। सो ये मामला क्या लगता हुआ हमें आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएगा कि नहीं। दूसरा अहम मामला है ऑडियो लीक्स का।
ऑडियो लीक्स के हवाले से नाजिन आपको बताते चलें कि ये वैसे तो कोई ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला अब हमें गुज़िश्ता साल से ही नजर आ रहा है, तेजी उसमें नजर आई। इस साल मुसलसल आपको हर कुछ अरसे पे एक ऑडियो लीक मंजर आम पर आते हुए दिखाई दी और टारगेट जो है उसमें एक ही शख्स जो है वो ज्यादा नजर आता था। आज के दिन में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की और उनके वकील के दरमियान होने वाली कॉन्वर्सेशन को लीक किया जाना और फिर चूंकि वकील जो है उनके लतीफ कोसा साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी, लेकिन उन्होंने भ्रम ही कभी इजहार किया कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिन्होंने ये लीक की है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। और आपको याद होगा नाजीन की गुज़िश्ता माह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने और सवाल उठाया था कि ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है, कौन लीक करता है। और फिर उनका ये कहना कि एफआईए क्योंकि एक ऑडियो लीक इन्वेस्टिगेट कर रही थी और बगैर इस बात को डिटरमिन किए कि किसने लीक की है और किसने रिकॉर्ड की है, एफआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से इस पूरे जो स्टेट है, पूरे निजाम है, इसकी जो लूप होल्स हैं या इसकी जो हालत है इस वक्त, उसकी निशानदेही जस्टिस बाबर सत्तार के इस ऑब्जर्वेशन से जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है। सो ये ऑडियो लीक्स हो क्यों रही है ये तो अभी तक बहरहाल डिटरमिन नहीं हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के और कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स जो अटॉर्नी जनरल को दिए गए थे उसके बावजूद भी अभी भी एक बहुत ही अजीब सी खामोशी है जो कि हुकूमत की जानिब से नजर आ रही है इस मामले पर। जब कोर्ट ने कहा था कि आपको लीगल एम्बिट जो है इसका डिटरमिन करना है, क्लैरिफाई करें आप आके और एक लीगल फ्रेमवर्क को आप डिवाइस करें, आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्विलेंस का मामले को जो है आप इसको डिवाइस करें, उस पर स्ट्रैटेजी, उस पर फ्रेमवर्क बनाएं और तमाम मामलात को जो है वो मंजरे आम पर लेकर आए कि ये कौन सी मजाज अथॉरिटी है जिसके अंडर, जिसके डिसीशन से ये मामला जो है ये मामलात तय पा रहे हैं या आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑडियो आप लीक कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है। सो बहरहाल ये एक मामला है, लेकिन लाइक आई सेड कि ऑडियो लीक हो क्यों रही है, टारगेट एक है, आपका हदफ जो है चूंकि एक है, उसको आपने नीचा दिखाना है, आपने तमाम हरबे आजमा लिए, आप उसी टारगेट के हवाले से आप उसकी साबिक उसके एहलिया के साबिक शोहर के को आप मंजरे आम पर ले आए, आपने उसका इंटरव्यू नशर कर दिया, आपने उनकी एहलिया की तलाक की खबर पे जो है वो डिस्कशंस करवा ली है, आपने उनकी एहलिया की जो साबिक शोहर के साथ तलाक के बाद जो है इद्दत पर डिस्कशंस करवा लिए, आप उनकी एहलिया की मुबैना एक डायरी के वो फटे हुए पेजेस सामने लेकर आ गए, आप उनके हवाले से आपने बुक्स जो है वो मजरे आम पर लेकर आ गए, आप उनके हवाले से मजीद अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि जी खवातीन सामने आएंगी और उनके खिलाफ जो है वो गवाही देंगी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन आपने सोशल मीडिया पे करवा ली, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने कैरेक्टर असैसिनेशन करवा ली, आपने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें कर ली, आपने उनकी पार्टी के बंदों को तोड़कर ड्राई क्लीन करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लिए, टीवी शोज में बिठवा लिया, आपने तमाम हरबे आजमा लिए, लेकिन उन तमाम हरबों के बावजूद उसका वोट बैंक अपनी जगह इंटैक्ट है। और ये बात अब उनके हरीफ खुद बोलना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज मखदूम अहमद महमूद साहब साबिक गवर्नर पंजाब और इस वक्त साउथ पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, एक बड़े पोस्ट पर हैं, सीनियर एक सियासतदान है, उनका ये कहना कि सारी जमातें बशमूल नून लीग जिनके कायद इस वक्त चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और उनको रिलीफ भी मिल रहा है अदालतों से, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात के समेत मखदूम अहमद महमूद साहब कहते हैं कि सारी जमातें 30% पर खड़ी हैं जबकि अकेला इमरान खान 70% की मकबूलियत पर खड़ा है। सो आपने सब कुछ आजमा लिया लेकिन आप उसका वोट बैंक नहीं तोड़ सके। इमरान खान साहब जेल में बैठ के सलाखों के पीछे वो मुकम्मल स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं, अपनी वकला की टीम के साथ मुसलसल मशावरत में हैं, परेशान सिर्फ इस बात पर हैं कि उनका वर्कर जो है वो उम्मीद ना छोड़े, उनका मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मईशत जो है वो मुल्क की बहाल हो, और मुसलसल वो स्ट्रैटेजी चूंकि तश्कील दे चुके हैं जो कि उनके ओपोनेंट्स पे जाहिर है बहुत भारी गुजर रही है ये बात भी कि वो जेल में किस तरह से एक अभी भी उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो कमाल नजर आ रही है
अभी भी वो क्योंकि सोचते थे सबके assumptions से सबकी predictions यही थी कि शायद वो दो दिन भी ना गुजार सके, वो एक महीना भी ना गुजार सकेंगे, लेकिन वो मुसलसल जेल में बैठ के मुतमाइन पॉजिटिवली मुल्क को आगे लेके चलने के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए स्ट्रैटेजी बना चुके हैं और अपने वकला के जरिए अपने कारकुनान को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को पैगाम मुसलसल भिजवा रहे हैं कि मुकम्मल तैयारी के साथ हम इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाना है। और नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़े अनप्रेसिडेंटेड हमने इवेंट्स देखे हैं ओवर द लास्ट वन ईयर, वन और वन एंड हाफ ईयर, लेकिन जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज है इस मुल्क में वो इस मुल्क के हालात हैं। आपको नहीं पता कि आज के दिन से लेकर 8 फरवरी के दरमियान तक क्या कुछ होता है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता।